नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज 9 और इस वक्त हम रांची के प्रेस क्लब में हैं, जहां चतरा के कुछ युवाओं के द्वारा एक किताब विमोचन किया गया है। विमोचन ये है कि जेपीएससी की तैयारी को लेकर जो किताबें पढ़ी जाती है छात्रों के बीच में, वो यहां पे किताब उनके द्वारा लिखा गया है, वो यहां प्रकाशित किया गया है। और बता दें कि इस किताब का नाम है वस्तुनिष्ठ झारखंड सामान्य ज्ञान। इस वक्त मेरे साथ प्रकाश पोदार हैं, जो सुमित प्रकाशन के द्वारा ये प्रकाशित हुआ है, इनसे बात करेंगे। बताइए पहले सर कि एक किताब लिखने का जुनून कब से आया, कब आया? सर, स्टूडेंट रहे हैं हम लोग, लगातार तैयारी करते आए हैं, तो जब तैयारी हम लोग करते हैं तो उसमें बहुत सारी किताबों में प्रॉब्लम आती है कि ये अगर ऐसा होता तो और अच्छे से हम लोग को समझ में आता और दिमाग में रहता, ज़्यादा याद रहता पाता। तो लगातार प्रिपरेशन भी करते आए हैं और पिछले 5 साल से हम लोग जेपीएससी और जो भी झारखंड के एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करवाते भी आए हैं। सबसे पहले ये बताइए, आपका जो करियर फाउंडेशन है, केरल फाउंडेशन में आप पढ़ाते हैं, आपका ही है? जी, हमारा ही है, लेकिन कोई भी संस्था बिना टीम के ये से नहीं चलता, हमारी पूरी टीम है और सबके सहयोग में। इसमें कितने अभी 11 लोगों की टीम है हम लोग की, और 11 लोग मिल करके इस संस्था को आगे। ये सोचा आपने कि यहाँ पे स्टूडेंट लोग को छात्रों को पढ़ाने के लिए एक किताब की जरूरत हो जाए? हाँ, जरूर। किस दिन, कब सोचा आपने ये? सर, एक बार मतलब पिछले साल नवंबर में एक टेस्ट आयोजित कर रहे थे पूरे झारखंड के 10 शहरों में, तो उसी समय हम लोग के मन में विचार आया था। हमारे सुमित प्रकाशन के जो यहाँ के हैं, सुमित जी, अमित जी, उन लोगों ने उन्हें हमें कॉल करके बुलाया कि अगर आप लोग बुक लिखना चाहते हैं, आप लोग का कंटेंट बहुत अच्छा है यूट्यूब पे, तो अगर आप लोग बुक लिखना चाहते हैं तो हम आपको ऑफर करते हैं कि आप बुक लिखिए, हम प्रकाशित करेंगे। तो हमने किताब लिखा और यहाँ पे, और लॉकडाउन में थोड़ा समय भी मिला, जो ऑफलाइन क्लासेस थे वो बंद थे, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, तो उस समय का भी यूटिलाइजेशन करना था, इसकी वजह से बुक लिखने लॉकडाउन में मतलब कि आराम मिला खाली समय में किताब लिखने। आराम नहीं मिला लॉकडाउन में भी, हम लोग पूरा बिजी रहे लॉकडाउन में, हम लोग बिल्कुल भी आराम नहीं किए। जो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे करियर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी लोग, और साथ ही साथ बुक लिखने का भी कार्य कर रहे थे ताकि जब लॉकडाउन ख़त्म हो तो ये बुक मार्केट में अवेलेबल हो जाए। आ जाता है जुनून जो होता है लिखने का, पढ़ने का, और दूसरों लोगों को पढ़ाने का जुनून होता है, जो शिक्षा देने का, वो इन लोगों ने द्वारा किया गया है। यहाँ पे इनके टीम के मेंबर हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए आपकी, जब आपके सर हैं जो इतना अच्छी किताब लिखते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सर देखिए, एक्चुअली क्या है कि स्टूडेंट आज के ज़माना में वो दर दर भटकते हैं, किताब में उनकी पूरी जानकारी एक जगह नहीं मिल पाती है, जिसके चलते उन्हें 3-4 प्रकार की किताबें खरीदनी पड़ती है। हमारे पूरी टीम ने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम 4-5 किताब जो अलग अलग है उस सारे चीज़ों को कलेक्शन एक जगह कर दें, और जब विद्यार्थी इस बुक से परिचित हो तो उन्हें लगे कि हाँ, हमें पूरे डाटा एक जगह पर मिल रहा है। और यही सोच के साथ हम लोगों ने लॉकडाउन के दौरान जो ऑनलाइन क्लास देने का प्रयास किया, और साथ साथ उसी में टाइम निकाल करके कि जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो किताब भी साथ है मिल। इतना साथ दिए हैं आप लोगों इनका? सर, हम लोगों का तब पूरा ये जितना दिन लग गया है इस किताब को लिखने में, पूरा का पूरा सहयोग रहा है, पूरा सहयोग पूरा टीम का रहा। तो और यहाँ पे उनके फैमिली वाले भी हैं, उनसे पहले इनके टीम के हैं, पहले तो परिचय आप। मेरा नाम राजू मेहता है और मैं मतलब यहाँ पे करियर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। और ये बुक के बारे में हम बताना चाहते हैं कि मैं पिछले मतलब कि 1-1.5 महीना से यहाँ हूँ रांची में, और बुक का जो भी त्रुटिपूर्ण हो उसको सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका है। हम लोग बहुत काम किए हैं। लगा आपको त्रुटि नहीं? हम त्रुटि के लिए तो पंकज पोदार जी और प्रकाश पोदार जी ने जब लिखा किताब, तो कितनी त्रुटियां देखिए यहाँ पे। त्रुटि हम लोग सोचते, त्रुटि थी नहीं किताब में, मगर हम लोग सोचते कि मार्केट में ऐसा किताब आए जिससे क्या हो, बच्चा को थोड़ा सा भी लैंग्वेज में नहीं दिक्कत हो और सरल से सरल भाषा में, ताकि कहीं भी लोगों को किसी और का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़े। सबसे बड़ी बात है कि इसमें सरल से सरल भाषा और त्रुटि नहीं मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए तो कह रहे हैं कि झारखंड का जितना भी एग्जाम होगा ना, जीके स्पेशल, उसके लिए रामबाण साबित होगा ये किताब। ये रामबाण साबित हो सकता है छात्रों के हित में। और यहाँ पे प्रकाश पोदार के की माता जी, उनसे जानते हैं कि कितना खुशी मिल रहा है आज अपने आपका खुद का बेटा का यहाँ किताब विमोचन किया गया। बहुत खुशी है, मेरा खुशी का कोई अंत नहीं है। बहुत खुश हैं अपने बच्चे का ये प्रगति को देखकर। मंत्री जी ने भी आया है, हाँ। सारे मंत्री आए, विधायक लोग आए, चतरा के कितना खुशी हो रहा है, क्या सभी का आशीर्वाद मिला हमारे बच्चे को। क्या बचपन में क्या लगता था कि एक किताब लिखेगी? बचपन में देखिए अब क्या बता सकते हैं, बचपन तो बचपन होता है। हम लोग बहुत छोटा सा गांव से है ना,
तो उस समय तो नहीं लगता था, लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ लगा कि हाँ मेरा बच्चा आगे चल के कुछ करेगा, और अब देखने को मिल रहा है। माँ का जो होता है कि बच्चे आगे जब बढ़ रहे हैं तो उस समय उनको खुशी ज़्यादा महसूस होती है, ज़्यादा खुशी होती है। यहाँ पे प्रकाश राणा है, उनसे बात करते हैं। आपने जब प्रकाश पोदार जी, दोनों प्रकाश हैं जी, दोनों प्रकाश ने मिलकर इतना जो अलग जगाया है छात्रों के बीच में, इस पर क्या कहेंगे? सर, हम बोलना चाहेंगे कि जो हम बुक लिखे हैं हम लोगों ने जी, वो बुक हर छात्र के लिए इम्पोर्टेंट है। हमको लगता है ये जो बुक है, जब नहीं पढ़ा तो अधूरा है, क्योंकि जो दूसरा बुक में है कि जहाँ क्लियर नहीं है मैटर, हम उसको क्लियर करने का कोशिश किए। और इस बुक के लिखने के लिए हमको लगता है कि, और इसको प्रेजेंट में देखते हुए, लगभग 400 पेपर कटिंग का यूज हुआ है, और लगभग हमको लगता है 600-700 ये स्क्रीन शॉट का यूज हुआ है। और हम लोग, हम और प्रकाश पोदार दोनों जितने भी मार्केट में बुक है, और इनमें जो जितनी भी बुक है उसको प्योर 4 महीना पूरा स्टडी किए थे सबसे पहले लिखने के लिए। और छात्र को सहूलियत के हिसाब से हम देखें कि जो मेमोराइज उसको जल्दी हो, तो इस बात के देखते हुए हम और प्रकाश पोदार सर हैं, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए कोशिश किए। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं वो अमित जी, जो क्रॉन पब्लिकेशन के मालिक हैं, सारे बुक प्रोवाइड करते गए, जितना भी मार्केट में बुक है, यहाँ तक कि वो उनके पास जो और भी रखा, वो बहुत पहले का बुक था झारखंड से संबंधित, वो हम लोग को प्रोवाइड करते गए। और हम और प्रकाश पोदार दोनों मिलके 4 महीना सबसे पहले पढ़े, और उसके बाद उस पर जितना स्टडी हो सके करके लास्ट में बुक तैयार किए हैं कि जो जितना से जितना सहूलियत हो सके बच्चे को। प्रकाश राणा जो उन्होंने बताया कि बहुत ही कम मेहनत करने के बाद, 4 महीने की मेहनत करने के बाद ये यहाँ पे किताब विमोचन किए झारखंड के छात्रों के लिए। यानी इनके पिता हैं यहाँ पे, इनसे पूछते हैं कितना गर्व महसूस हो रहा है कि आपके बच्चे यहाँ पे आज पुस्तक विमोचन हुआ, और राज्य के मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री भी आए और विधायक लोग आए, कितना गर्व महसूस हो सर? मैंने कि इतना मैंने है कि हम लोग बोल भी नहीं पाते हैं कि कितना हम लोग का खुशी महसूस हो रहा है। रह गया कि आत्मा तो अंदर से बहुत खुश है, ऐसी बात तो नहीं है। कैसा ये लगता था कि ये बचपन में ये अच्छा काम करेगी? और बचपन में तो किसी को लगता नहीं है, लेकिन रह गया कि जैसे जैसे आगे बढ़ते गया वैसे वैसे आशा भी तो होते गया कि कुछ न कुछ तो ये करेगा ही। आशा था कि अच्छा था कुछ करेगा। आशा तो था ही। माता भी उनसे ही बात करते हैं, बताइए कि कैसा लग रहा है कि आज रांची में यहाँ पे सभी कोई आए और यहाँ पे पुस्तक विमोचन हुआ, और बेटा आज इतना अच्छा नाम कर रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लगा कि हम वहाँ से गांव से शहर आ गए हैं, से कि हमको बच्चा बहुत आगे बढ़े, इतना लोग देखें कि माँ बाप के खुशी हो गई कि बहुत अच्छा हमको लड़का कर रहे हैं, कि यार आगे बढ़ते जाए। एक कहावत है, मेरा बेटा नाम रोशन करेगा, जग में मेरा नाम रोशन करेगा। उसके बाद भी एक और टीम के मेंबर, उनसे ही बात करते हैं। क्या सबसे पहले तो आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, और हमारे झारखंड के सभी विद्यार्थी जो बीसीएस की तैयारी करते हैं उनसे मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो पुस्तक है जो हमारे टीम में प्रकाश सर और प्रकाश राणा सर, दोनों सर ही हैं, प्रकाश ही सर हैं, जो ये बुक ने निकाले हैं, तो हम लोगों ने काफ़ी अनुभव के साथ, मतलब इस बुक को बहुत फिल्टर करते हुए, और ये अभी स्टूडेंट को लाने जा रहे हैं जो कि मार्केट में आ ही गया, तो ये बुक पढ़ने से उनको किसी तरह की मतलब डाउट नहीं होगा। और हमारे जैसा हमारे टीम का एनालिसिस है कि इससे उनकी मतलब मंजिल प्राप्त हो जाएगी कि हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो टीचर्स जो हैं जो बुक तो लिखते ही हैं, लेकिन हमारी टीम के द्वारा जो लिखी गई है पुस्तक, इसमें क्या है कि हमारे जो फैकल्टी जितने भी टीम हैं सब ऑफलाइन के मतलब दिग्गज फैकल्टी हैं, ऑफलाइन के 7-8 साल के एक्सपीरियंस है उनके पास, और उनके एक्सपीरियंस को इसमें शेयर किया गया है। मतलब ऑफलाइन में 7-8 साल पढ़ाए हुए एक्सपीरियंस का शेयर इस पुस्तक में है, जो कि स्टूडेंट को बहुत हेल्पफुल होगा और उनके रिजल्ट तक ले जाने का कामयाब करेगी ये पुस्तक। तो इसके लिए धन्यवाद। और पुस्तक, ये पुस्तक हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, ये पुस्तक में लिखा हुआ है कि जेपीएससी और जेएसएससी के लिए ये सबसे बेस्ट किताब साबित हो सकता है आने वाले समय में, यहाँ के छात्रों के लिए, झारखंड के छात्रों के लिए। और ये प्रकाश राणा और प्रकाश पोदार जो लगातार ही काम करते गए, अपने 4 महीनों के मेहनत के बाद ये किताब
का विमोचन हुआ है। आप देखने की बात होगी कितनी कारगर साबित होगी। अपने सहयोगी के साथ मैं विशु विशाल, झारखंड न्यूज़ 9 रांची।